दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का इंडिया आईटी न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूं। पार्लियामानी इलेक्शन के ऐलान के बाद ही तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की कैंपेनिंग में जोर पकड़ ली है और वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो, जो खुद हैदराबाद के कैंडिडेट हैं और 2004 से लगातार पार्लियामानी हलके हैदराबाद को जीतते आ रहे हैं और इस बार 2024 में भी फिर एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नुमाइंदा बनकर अपने हलके में कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन पूरे इलेक्शन में सबसे ज़्यादा अहमियत वाला है और सबसे अलग अपनी जगह रखता है। हमको भी ये चाहिए कि हर इंसान अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने वोट को ज़ाया जाने ना दें, अपने वोट को इस्तेमाल करें और सही उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल करें, ताकि जो पार्टियां आपको मिटाना चाहती हैं, जो पार्टियां साजिश रच रही हैं आपको लेकर के, उनको आप खुद इस वोट के ज़रिए मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और अपने हक का इस्तेमाल करते हुए अपनी अहमियत बताने का जो जमहूरी आपके पास हक है, उस हक के साथ आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं वो तमाम फिरखा परस्त पार्टियों को जिन्होंने आपको तोड़ना चाहा, मरोड़ना चाहा, आपको खामोश बिठाना चाहा। उसके लिए सिर्फ 5 साल में एक दिन आता है जब आप अपनी अहमियत ऐसे फिरखा परस्त लोगों को बता सकें, और अहमियत बताने का एक अच्छा सही मौका यही है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने ख़ानदान को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर वालों को, अपने देश वालों को, दो दो लोगों को आगाह करें कि जाइए अपने वोट का इस्तेमाल करें। आप और आपके साथ दो लोग मिलकर हिंदुस्तान की आने वाली बदनसीबी को मिटा सकते हैं और उसमें खुशहाली ला सकते हैं, और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप अकेले हैं। आप ये पहल कीजिए, अपना वोट डालिए और दो लोगों को वोट डालने में इंकरेज करें। फिर देखिए 2024 का हिंदुस्तान कैसे एक नए प्राइम मिनिस्टर को लाता है और कैसे एक नई पार्टी को चुनकर लाता है, और वहाँ से आपकी खुशहाली आ जाएगी।